सो गाइस वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू साहब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गैंगटॉक सिक्किम में एंड काफ़ी दिनों बाद जो है एंटॉक लेके अपना टीवीएस एंटॉक लेके गैंगटॉक में कहीं पे राइड पे निकला हूँ। बहुत दिनों बाद लगभग 6-7 महीना तो हो ही गया होगा कि स्कूटी का हाथ नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि इस बार बाइक जो है सिलीगुड़ी में घर में ही छोड़ के आया हूँ। बारिश के कारण यहाँ पर पार्किंग में मतलब बाहर रखना पड़ता है, बारिश होता है, बीच की हालत ख़राब हो जाता है, तो स्कूटी भी यहीं पर था। एंड मतलब क्या बोलो, आज मौका मिला है क्योंकि आज इवन डे भी है, प्लस आज बारिश भी नहीं हो रहा है अभी तक, आगे का पता नहीं, अभी तक जो है वेदर ने साथ दिया, इसलिए हम प्लान करके निकल चुके हैं एक राइड के लिए। अभी राइड में हम जा रहे हैं राइस वैली, जगह का नाम है राइस वैली है जगह का नाम, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। वो तो अभी तक गया नहीं, मैं जाके पता लगेगा, यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देखे था, बहुत ही अच्छा मतलब पैडी फील्ड है वहाँ पर, टेरेस फार्मिंग होता है, तो वहीं पर जा रहे हैं, जो कि है यहाँ से लगभग 28 से 30 किलोमीटर, लगभग एक घंटा जैसा लग जाएगा। एंड अभी हमें NH10 में, पीछे मेरे साथ आज ज्वाइन किया है राइड में गौरव, तो गौरव भी है पीछे, गौरव को बहुत बार देखा होगा आपने क्योंकि ये मेरा भाई है। एंड पीछे हम दोनों ने प्लान करके बस निकल चुके हैं राइड में। तो ये है खूबसूरत सा गैंगटॉक सिटी एंड नेशनल हाईवे 10, इसी के बीच से होते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पे गैंगटॉक में ऑड इवन फॉलो होता है, बहुत लोग पूछ रहे थे ऑड इवन के बारे में डिटेल में, तो ऑड इवन का मतलब यही है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन प्लेट में लास्ट का जो नंबर है वो जैसे कि मान लीजिए 2 है, तो आप जो जो जिस जिस दिन मतलब डेट वाइज भी इवन रहेगा उस दिन आप स्कूटी चला सकेंगे, मतलब उस नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला चला सकेंगे, जैसे कि हो गया 2 तारीख 4 तारीख 6 तारीख 8 तारीख, या फिर लास्ट में 0 है जैसे कि 10 तारीख हो गया, फिर 20 तारीख हो गया, ऐसा एंड सेम मतलब ऑपोजिट उसका ऑड के लिए। तो यही था ऑड इवन जो भी पूछ रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला था उनको अपडेट दे दूंगा। एंड बाद बाकी गाइडलाइंस वगैरह मैंने सब कुछ डाल रखा है, अभी 9 तारीख को जो है आने वाला 9 तारीख उस दिन फिर से एक नया गाइडलाइन आएगा, तो उसके लिए बने रहे चैनल पे। अगर आप सिक्किम प्लान कर रहे हैं बाई बाइक और बाई कैब या फिर कैसे भी प्लान कर रहे हैं, तो आप मतलब अपडेटेड वीडियो देख के आइए ताकि आपको गाइडलाइंस वगैरह सब प्रॉब्लम सब कुछ पता रहे एंड कुछ भी प्रॉब्लम आपको ना हो एंट्री के टाइम में। तो चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, अभी आप इंजॉय कीजिए खूबसूरत नेशनल हाईवे और खूबसूरत सा गैंगटॉक सिटी का थोड़ा सा नज़ारे, एंड फिर हम जैसे वो थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में नेचुरल टाइप में घुसते हैं, मतलब ग्रीनरी वाला जगह में, तो फिर वापस आता हूँ कैमरे में। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल पे, अगर चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वो बेल आइकन जो है वो क्लिक कर दीजिए। सो सी यू इन अ व्हाइल। NH10 छोड़ के जो है आ चुके हम एक दूसरे रोड में जो जाता है रुमसेक की तरफ में। एंड देखिए NH10 छोड़ने के बाद ही यहाँ पे ग्रीनरी देखिए, जिस ग्रीनरी का बात मैं कर रहा हूँ, मतलब टाउन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे एकदम पूरा ग्रीन, लस ग्रीन फॉरेस्ट, नज़ारे, पहाड़, खाली खाली रोड, ऐसा मतलब ऑड इवन होने के कारण भी मतलब NH10 में जो है अच्छा खासा भीड़ लगता ही है क्योंकि ट्रैफिक गैंगटॉक में है बहुत, एंड रोड उतना मतलब चौड़ा नहीं है जो कि पाए, तो ऑड इवन के कारण भी जो है भीड़ रहता है। मौसम जो है अभी तक तो देख ही पा रहे हैं, ब्राइट सनलाइट निकला हुआ है, लेकिन आगे जाके मौसम कब पलटी ले ले पता नहीं है, इसी बात का डर है। एंड यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट रुमटेक की तरफ में, यह है रानी खोला नीचे जो देख रहे हैं, और मेन मज़ा है अब यहाँ से थोड़ा एंटॉक को जो है खींचेंगे काफ़ी दिन बाद पहाड़ों में। ये जो आवाज़ है इसका एकदम बाइक जैसा साउंड, मतलब जब थ्रॉटल देते हैं मज़ा आ जाता है सुन के। रुमटेक 10 किलोमीटर, तो रुमटेक से भी आगे जाना है हमको, रुमटेक नहीं है, यहाँ से लगभग 16 से 17 किलोमीटर होगा शायद।
ये देखिए, ये वाला टर्न का बात कर रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, मज़ेदार। क्या रोड है यहाँ का, एकदम वेल मेंटेन्ड रोड है, मज़ा आ जाता है मतलब चला के। अगर कुछ अच्छा दिखाने को मिलता है, और गैंगटॉक सिटी का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है अभी ऊपर से, तो वहाँ पे रुकता हूँ मैं एंड फिर दिखाता हूँ आपको व्यू। तब तक के लिए जो है आप इन नज़ारों को, इन तेरे मेरे घुमावदार गैंगटॉक के रास्तों को एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको कहीं पे ऊपर। अभी तक का जो राइड है बहुत ही अच्छा जा रहा है एंड चल गए थे थोड़ा सा रंका की तरफ, मतलब गलत घुस गए थे, फिर एक टैक्सी ड्राइवर को पूछ के सही रास्ते में आए हैं रुमतेक में। यहाँ से उन्होंने बताया है 8-9 किलोमीटर, तो जल्दी से जाएंगे एंड जल्दी से मतलब जगह देख के घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो है मतलब काले काले बादल जो है अब मंडरा रहे सर के ऊपर। तो चलिए रहने देते हैं काले बादल का टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो राइड बहुत ही मस्त है एंड जगह उससे भी बहुत अच्छा है, रोड अच्छा है, और इतना ही कहूँगा। बस आप बैठ के जो है घर में या जहाँ पे भी है एंजॉय कीजिए इन शॉट्स को। वहाँ से जो है और 4-5 किलोमीटर आने के बाद जो है फाइनली हमको राइस वैली मिल चुका है एंड दिख चुका है इस तरफ में। बस पहुँचने ही वाले होंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा और। लेकिन यहाँ का जो रोड है मतलब इतना मस्त सीनिक है ना, क्या बोलूँ। यहाँ पे जिसका घर है यार वो तो एकदम फुल नेचर के बीच में है एकदम, उसको होम स्टे का कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सा प्लेस है एकदम। ये वाला होम स्टे है नीचे, तो पहुंच तो चुके हैं राइस वैली, रुकते हैं यहाँ पे। तो पहुंच चुके हम लोकेशन में एंड राइड जो है काफ़ी अच्छा रहा है, जैसे कि मैं मोटर ब्लॉग में बोलते आ रहा था। एंड पीछे का जो व्यू है, अभी टर्न करूंगा जैसे कैमरा वैसे आपको दिखेगा, इतना मस्त नज़ारा है क्या बोलूं। तो गौरव मज़ा आया कि नहीं? एकदम एकदम मज़ा आया है। तो चलिए बिना कुछ बात किए हुए दिखाता हूँ व्यू।
राइस वैली देख के अभी निकल चुके हैं, मतलब वहीं पे थे हम, रोड में खड़ा होकर थोड़ा सा देख लिया एंड व्यू तो काफ़ी अच्छा है। नीचे एक छोटा सा रिजॉर्ट भी था, रिजॉर्ट और स्विमिंग पूल था, मतलब उसमें रह सकते हैं आप, मतलब स्नैक्स वगैरह लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि खुला नहीं था वो, मतलब खुला था मतलब पब्लिक के लिए खुला नहीं था, तो वहाँ पे नहीं गया। अभी यहाँ से निकल के और एक जगह जा रहे हैं, एक व्यू पॉइंट में, जहाँ से मतलब गैंगटॉक का नज़ारा जो है बहुत ही भयंकर मिलता है, वहाँ पे जाएंगे एंड गैंगटॉक के छोटे 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 जो बिल्डिंग है, पूरा गैंगटॉक टाउन है वो आपको एकदम डिटेल में दिखेगा, बहुत ही मस्त व्यू है। तो वहाँ पे जाके रुकते हैं, अब वहीं पे चाय पानी भी पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे भी, उसके बाद चल जाएंगे वापस घर की तरफ। गैंगटॉक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वहीं पे मिलता हूँ, थोड़ा सा व्यू देखिए एंड फिर वहीं पे डायरेक्ट मैं मिलता हूँ, बीच में और कहीं मोटो ब्लॉग नहीं होगा। तो बारिश का नाम लिया ही था एंड बारिश आ चुका है, यहाँ पे रुके हुए घर में स्कूटी रोड में रख के, मतलब यहाँ पे मौसम का कोई ठीक नहीं है, अभी धूप है तो अभी मतलब बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है। तो अभी जहाँ पे हम रुके थे बारिश हो रहा था, उससे थोड़ा सा नीचे व्यू पॉइंट है, वहाँ पे पहुँच चुके एंड बैठे हैं थोड़ा सा इस व्यू पॉइंट में। पीछे का नज़ारा तो मतलब बैक कैमरे से दिखाऊंगा, लेकिन वो जो सारा आपको दिख रहा है वो मतलब यहाँ पे जितना दिख रहा है ये सारा है गैंगटॉक टाउन। तो चलिए व्यू आप इंजॉय कीजिए पीछे वाले कैमरे से। दोस्तों अभी रुमतेक वैली से हम आ चुके हैं नीचे रानी पुल की तरफ, NH 10 की तरफ एंड वापस अभी घर जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ से वो व्यू पॉइंट से यहाँ तक का मोटो ब्लॉग नहीं किया क्योंकि सेम फिर से दिखा के कोई लाभ नहीं है, ब्लॉग लंबा होगा। एंड अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे इस खूबसूरत से जगह में, थोड़े से बैठे स्कूटी लेके। जो भी लोग सिक्किम के अपडेटेड गाइडलाइन के बारे में मतलब जानना चाहते हैं या आगे जो भी गाइडलाइन के बारे में मतलब पूछना चाहते हैं या क्यूरीज है, तो वो पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाइक में प्लान कर रहे हैं गैंगटॉक एंड इनर लाइन परमिट या होटल रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, होटल बुकिंग कैब्स वगैरह, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, वहाँ मैं आपको सजेशंस या फिर हेल्प कर दूँगा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो पर एक लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो गाइस सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।